हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा शंकर ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज श्री को ना हम लेके गए थे ना यूरो किड्स करके एक प्ले स्कूल है, जहाँ पे बच्चों को ना अच्छी एजुकेशन दी जाती है, उनको स्टार्टअप उनको अच्छा दिया जाता है, आगे से उनकी शुरुआत अच्छे से होती है। तो यहीं पर हम श्री को हम दिखाने लेके आए थे और ख़ुद भी हम समझने आए थे कि यहाँ का क्या सारा क्या चीज़ है, कैसे यहाँ पर एडमिशन लिया जाता है। तो ये ना हमारे शक्तिनगर से पास में ही पड़ता है तो इसलिए, और देन उसके बाद ना शाम को हम होते होते श्री को हम लेके आए थे क्लिनिक, जो कि उसके वैक्सीनेशन से रिलेटेड था, इसलिए हम लोग को आज ज़रूर आना था। तो हमने सीधे मास्क अपना पूरा प्रॉपर तैयारी के साथ आए थे, क्योंकि सभी ने वहाँ पे मास्क पहने थे, क्योंकि इस समय वायरल बहुत फैल रहा है। यहाँ से ना हम जल्दी से श्री को दिखा के हमें आज ही हमें ना एक बर्थडे पार्टी में भी जाना था, और जो कि ना बहुत ही ख़ास था, हमें वैसे पहले पता नहीं था वहाँ जाके हम इतना एंजॉय करेंगे, और श्री के साथ साथ ना हमने भी खूब एंजॉय करा। तो यहाँ पे श्री ना यहाँ पे अभी क्लिनिक में बैठी थी, तो यहाँ पर सभी मास्क ला के बैठे थे। देन उसके बाद हम आके हम फटाफट से तैयार हुए, क्योंकि पास में ही था, बंधन में था, तो बहुत इंजॉय करा हमने वहाँ जाकर। और यहाँ पर ना मैंने सिंपल सा सूट डाला फटाफट से, पे मम्मी जी, मैं और मेरे हस्बैंड एंड श्री गए थे, पापा जी नहीं गए थे, पापा जी की तबीयत थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, तो यहाँ पे हम बंधन पहुँच गए थे। इसके बाद ना यहाँ से यहाँ से ना फिर मैंने कहीं गई तो वीडियो बनाया ही नहीं, क्योंकि मेरे को इतना मज़ा आ रहा था। बिजली भी उड़ गई क्योंकि आप इतने अच्छे लग रहे हो। ओके, तो हिंदू धर्म में सबसे पहले कौन से देवता को याद किया जाता है, उनका नाम बताइए। सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी को याद किया जाता है, संस्कारी बहु है तो। और हिंदू के बाद ये है बेटा, हेलो जीत की जोत चला के जाना है यू। इनके घर में तो लड़ाई नहीं होती, इतना धीमे बोलती कि सास को अगर कुछ कहती भी होगी अपने जमाने में तो पता ही नहीं चलता होगा सास को। उमा कहीं हम नहीं किसी से कम, हम खुद में है एटम बॉम्ब। आपका नाम निशा एंड निमिषा, आप इस साड़ी में बहुत कमाल लग रहे हो, बहुत स्मार्ट लग रहे हो। यस, आपका नाम आत्मा माली। तो इन्होंने कहा अच्छा वही भी बस, तो जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला है, इसीलिए अलग अलग दे रहे ताकि सबके साथ न्याय हो। पहले से बुलवाया था उसको मौका नहीं मिला, इसलिए चेंज कर दो। सिंपल था, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, आराम से, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला। बॉय कीप साइलेंट, मैं शोर करने पर गिफ्ट देती हूँ, तो अगर अंदर का किसी का भी गुस्सा है तो आज निकाल दो। जब मैं पूछूंगी क्या आप एंजॉय करना चाहते हो, नो या यस, तो आप अच्छे से बोलेंगे यस, ठीक है। देखते कौन तेज बोलता है। बेटा इधर आइए, हेलो आई लव यू रश्मा, इधर आओ बेटा, तुम्हारी तो फूल खिला हुआ है। अच्छा, बहुत प्यारी बच्ची है, कम 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 नहीं, मुझे अकेली रहने दीजिए। ओके, फिर से देखते कौन चिल्ला रहा सबसे अच्छे से। जब मैं पूछूंगी क्या एंजॉय करना चाहते हैं, नो या यस, यस नो या यस के बाद आपको बोलना है। ओके, आज है पार्थ का बर्थडे, तो कौन कौन फ्रेंड्स उसके एंजॉय करना चाहते हैं, नो या यस बेटा। ये क्या था, मुझे लगा अर्थ कोई आ गया वहां से दीदी को यहाँ। ओके, आपका टास्क क्या है, जरा पेरेंट्स एक्टिव हो जाएं, ये बच्चे आपकी वजह से विनर बनेंगे, क्योंकि मैं इनसे जो सामान मंगाने वाली हूँ, जो प्रॉप मंगाने वाली हूँ, वो आपके पास है। तो पेरेंट्स ध्यान से सुने, वो चीजें निकाल के रखें। आपको पांच चीजें लेकर आनी है, फाइव प्रॉप। पहला, मम्मी से बैंगल तैयार रखेगा। यहाँ पे ना मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना ही भूल गई थी, क्योंकि मैं भी यहाँ पे बच्चों के साथ बैंगल निकालने में अपनी सब उसको सामान देने में, क्योंकि मम्मा का पार्टिसिपेट भी करना बहुत ज़रूरी था, तो मैं वो सब कर रही थी। बहुत ऐसी जगह पे ना बहुत अच्छे अच्छे गेम हुए थे, मैंने वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं करा, क्योंकि मैं उसी में मस्त थी देखने में, इतना इंजॉय कर रहे थे ना बच्चों के साथ साथ, सारे पेरेंट्स इंजॉय कर रहे थे। मैंने भी ना कुछ गेम में मैंने भी पार्टिसिपेट किया था, उनमें से एक में तो मैं विनर भी थी, मेरे को गिफ्ट भी मिला था, बट मेरे हस्बैंड ने वो सब रिकॉर्ड नहीं करा, उनको इतना ध्यान ही नहीं रहा था, क्योंकि
क्योंकि सभी ना गेम देखने में मजा कर रहे थे। अभी यहाँ सबसे जो डार्क लिप मार्क का निशान मुझे दिख रहा है सच्ची वाला है, तो मुझे जिसका सबसे डार्क दिखा ये किसकी बेबी है? सब लोग इधर आ जाइए, ये बताइए मम्मी कौन सा ब्रांड लगाती है? बड़ी समझदार बच्ची करी हूँ। कौन सा वाला ब्रांड लगाती? नहीं पता। लैक्मे की लगाती है मम्मी, लोटस की लगा। बेटा सारी नजर रखता है, ध्यान रखिएगा। मैं समय से पहले बहू ला के उसी को सारा पार्सल करेगा। तो इस टास्क के विनर ये बची हुई है। एक बार इसके लिए अभी परेशान मत होइए, आपके लिए और एक्टिविटी है। क्लैपिंग कर दीजिए इन दीदी के लिए और ये गिफ्ट ला के उधर से दे दीजिए। नेक्स्ट टास्क अभी और है बेटा, क्यों परेशान है? नेक्स्ट टास्क है जो इसको पकड़िए, दिस इज फॉर यू। जो बच्चा सबसे ज्यादा क्वाइंस कलेक्ट करके लेकर आएगा, क्वाइंस समझ रहे हो, सिक्के, आंटी से अंकल से। अगर आपके मम्मी पापा के पास नहीं है, आप लोग बच्चे हो, मासूमियत लुट सी गई। ओके बच्चे 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 एक बार शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अभी करना क्या है, जिसके पापा यहाँ आए हैं और जो अपने पापा को सबसे पहले लेकर आएगा वो बनेगा इस टास्क का विनर। सारे बच्चे चले जाओ जल्दी से, पापा जाओ जल्दी से जाओ ना। और पापा की जगह अगर अंकल को भी ले आओगे तो आने जी, अब चले जाओ। पापा की जगह अगर अंकल भी आते हैं तो मैं मैनेज कर लूंगी, जल्दी से जाओ ना। वो जा रहे हैं, मुझे टूथपिक पहुंचा दीजिए। पहलू 6 7 8 अब करना क्या है, साउंड ऑपरेटर ट्रैक रेडी रखेगा और उधर से नीचे आ जाइए सर, थोड़ा सा नीचे और इधर आ जाइए, थोड़ा करीब हो जाइए। वेरी गुड, एक ग्रुप फोटोग्राफ्स हो जाए। बच्चे लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाए, वरना मैं 500 की जगह अब पेनाल्टी लगाने वाली हूँ 1000। पापा से ले लूंगी मैं, ये ऐसे एक्सप्रेशन दे रहा। ओके इधर आइए बेटा, ये जिसकी भी संपत्ति है प्लीज 2 मिनट के लिए इसको ले लीजिए। चोट जो ना इस नाइट की जो ना जो एंकर थी ना, जो ये सब कुछ ऑर्गेनाइज करवा रही थी ना, सच में वो बहुत ही, उनकी जो ना एक जुगलबंदी थी ना बहुत अच्छी थी। वो जो भी वो ना एक दूसरे के साथ लिंक करके आराम से वो जो एक कहावत बना रही थी, कोई मुहावरे दे रही थी, सब कुछ इतना अच्छे से वो कर रही थी ना, बड़ा मज़ा आ रहा था। उनकी एंकरिंग बहुत अच्छी थी, बड़ा मस्त थी। चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, बच्चे हो, या हस्बैंड, किसी के भी हस्बैंड यंग एज के हो या ओल्ड एज के, सब के साथ वो इतने अच्छे से सबको गेम खिलवा रही थी ना, बड़ा मजा आया। आगे आ जाए, तीन लोग सेंटर में आए। नहीं अभी नहीं फोड़ना, अभी नहीं फोड़ना, आगे आइए। हाँ अब सुनिए, आप लोग क्या करिए, जैसे इन्होंने आपकी बैलून आके फोड़ा तो आपको कंटप्पा बन के, बाहुबली मूवी देखी ना, इनकी लंका लगानी है। थोड़ा सा आगे आ जाइए, अभी नहीं कोई फोड़ेगा, जैसे मैं 3 बोलूंगी सर टूथपिक ला के तुरंत सब घेर के, और जिसका बैलून लास्ट तक जो बचा के रखेगा। बेटा आप लोग किनारे हो जाओ, थोड़ा फास्ट नंबर लगाइएगा। लगा दिए ट्रैक रखकर। ओके बाकी जिनके भी बच्चे यहाँ आए हैं, जिनके पापा यहाँ खड़े हैं, वो बच्चे इधर आ जाए, फिर उनमें से एक को मैं गिफ्ट और देने वाली हूँ जल्दी से। जिनके लिए भी आपको बचाइएगा, आपके बच्चों को भी प्लीज जल्दी आइए। हाँ आ जाइए अपनी बेटी के साथ, बेटी के साथ जल्दी से। ओके जो विनर बन चुके हैं वो पापा बैठ जाए जल्दी से स्टेज चेयर पे जाके, प्लीज हैव योर सीट। बाकी लोग, बाकी लोग। ओके तो हेलो, कहते हैं कि जब एक भाग्य अच्छा होता है तो घर में बेटा होता है, और जब किसी के 100 भाग्य अच्छे होते हैं तब घर में बेटियां होती हैं। इसलिए बेटा होता है भाग्य से और बेटी होती है 100 भाग्य से, किस्मत वालों के घर बेटियां होती हैं। अगर आप इस बात से एग्री और बेटियों से करते प्यार तो थोड़ी जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो यहाँ जितनी भी बेटियां आई हैं अपने पापा की परी है, एंजल है ये आपकी, हाँ सर ये आपकी बेटी, मामा है, चाचा है, कौन है ये? अच्छा आपकी, आपकी बेटी। ओके और आपकी परी ये है बेटा, तुम्हारी तुम इधर उधर हो, मैं समझ में नहीं आ रहा कौन से पापा है बेटा, तुम कंफ्यूज कर रहे हो, तुम उधर, मम्मी गुस्सा हो जाएगी तुम्हारी मम्मी। ओके ये आपका है सर, आपकी संपत्ति का है, अभी हुई नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, अरे हो जाएगी सर, टेंशन मत लीजिए, अगले साल हो गया। अच्छा शादी नहीं हुई है? ओके तो सर तभी मैं सोचूंगी सर क्या बताया, जरा सुनिएगा ध्यान के, ये मंत्र पढ़ रहे थे वहां खड़े खड़े, जब खुशहाल चेहरे देख रहे थे शादी वाले,
तो बोल रहे थे वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का खालसा, एक कुड़ी दी लालसा। सर हो जाएगी, ये लड्डू देखने में बहुत मीठा होता है, जो खा रहा है वो पछता रहा है। देखे पर सर ज्यादा मत बोलिए वरना आपकी वाइफ बड़े ध्यान से देख रही है आपकी, रात को भद्रकाली पूजा निश्चित है। करण हाँ जो लड्डू खाए वो पछता है आगे की कुटी। भाभी ने बस आई होप की ये लाइन आपकी सुनी ना हो। ओके तो अभी इस टास्क में सुनिए, सभी बहुत प्यारे लग रहे हैं, फिर से मैं मौका दे रही हूँ गिफ्ट जीतने का। सारे पापा लोग जरा ध्यान से सुनिए, और जो पापा की जगह चाचा के तो ये आपकी तरफ से आया, कौन कोई बच्चा आपकी तरफ कोई भी आप जिस नहीं इनको तो मिल चुका है। हमारी डॉल कहाँ थी? अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ भाई कुछ कुछ होता है। अच्छा अच्छा मैं समझ गई आप इतने दिल से गा रहे थे, उन्हीं के लिए जल्दी मुलाकात होगी। और ये गिफ्ट हमारी गुड़िया के लिए, रुक जाइए एक और गिफ्ट मैं देने वाली हूँ। नेक्स्ट सॉन्ग जरा ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट सॉन्ग है सूरज हुआ मध्यम। नहीं आपका तो मौका मिल चुका है, इधर वाले भी थोड़ा जागृत हो। ओके एक कुवारा, सब इनको पता है यार, क्लोजअप अनु जी की अंताक्षरी में यही तो नहीं गए थे पहले। नेक्स्ट सॉन्ग, नेक्स्ट सॉन्ग, ये भी चेंज, सारे आप ही उठा रहे, फिर से थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। चांद सी सर आप गुनगुनाइए, आपकी बेबी कौन है? चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। एक्चुअली वो मम्मा भी आई नहीं है तो इसलिए, और इधर जो मम्मा आई हुई है, आप लोग बड़ा वाला बैग लाए हो कि नहीं लाए? सारे गिफ्ट अब तक तीन चार में देख रही हूँ, बैग के बैग फिर बैग भी लेके जाके एक बार जोरदार तालियां इस क्यूट कपल के लिए प्लीज। नहीं सर वो गुड़िया कितने प्यार से, मैं तो चाहती हूँ सबको मिले सर। चलो बैठ, अब सब लोग बैठ जाइए, वेलकम। ओके अभी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो बहुत, कौन सी मैम है जो अपने हाथ में सबसे ज्यादा बैंगल्स पहने हैं? फैशन का दौर है, बैंगल्स बिल्कुल गायब हो चुकी है, जिसकी सबसे ज्यादा चूड़ियां उनके लिए गिफ्ट। भाई ये होस्ट है, ये तो सबको दे रही है, इनका कैंसिल होगा। आप दिखाइए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 40 40 से ज्यादा कोई पहने हैं? रेज योर हैंड। धीमे से ऐसे इशारा कर रही, करी बस यही खत्म करो जल्दी से, कोई दूसरा ना आ जाए। सॉन्ग है जो कह रहे हैं रमेश बाबू, तो जिनका सबसे लंबा सिंदूर है उनके लिए गिफ्ट है आधा इंच। इनका तो अंदर जाके ढूंढना पड़ेगा इनका आधा से, बहुए तो बहुए, सासू माँ कह रही कि हम किसी से कम है, हम भी एटम बॉम्ब है। और एक सासू माँ मैं नाम नहीं लूंगी, बहू को कोहनी मारते करी आऊ ना, लगा देख लो देख लो, तो प्लीज कोई ऐसे ऐसे ना करे अपनी बहू को। आपको तो सारे गिफ्ट मिल जाएंगे, सबसे लंबा 7 इंच, और ये बड़ी मुश्किल से यहां से लेकर 9 इंच सिंदूर भरा गया है। चरण कहाँ है देवी, एक बार जोरदार वाली तालियां इनके लिए। और अब पढ़ने वाले केक सेरेमनी की रस्म की ओर मैं चाहूंगी दादा जी, सुन फॉर यू, हेलो दादा दादी आ चुके, ताई ताऊ कहाँ है? ताई इज हियर एंड वेयर आर यू ताऊ जी? ताऊ ताई जी पहुंच गई हैं, इशारों में कह रही जल्दी आ जाओ, आज तो डिनर यहाँ मिल जाएगा, पूरे महीने में ही देती हूँ, तो इनसे बना के चलिए, बीवी से हमेशा बना के रखनी चाहिए। ताऊ जी नहीं आए हैं, अब मैं चाहूंगी मूल से ब्याह ज्यादा प्यारी होती है, अगर नानी माँ यहाँ है तो तैयार हो जाएं, और अपनी जो बड़ी वाली तिजोरी है हाँ जिसको कंटिन्यू ऐसे कस के पकड़ी हुई है उसको खाली कर दीजिए पार्थ के पास जाके। नाना पार्थ देखिए केक नहीं काटने को तैयार करें, जब तक नानी मानी है हम केक नहीं काटेंगे,
करा नानी अम्मा नानी अम्मा मां जाओ। नानू कहाँ है, नानू कहाँ है? बच्चे सारे नीचे रहे, सारे बच्चों के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है नीचे। बड़े बाबा और बड़ी दादी, देखिए अपनों को कहा नहीं जाता, अपने खुद चलकर आ जाते हैं। वे मैं चाहूंगी पार्थ के पापा अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो जल्दी से आ जाइए। एंड मैं चाहूंगी ताऊ जी ताई जी तब से आपको इधर उधर ढूंढ रही हैं, कहीं कहाँ है। केक कटिंग के बाद ना और भी गेम खेले गए थे, और सबसे अच्छी बात है ना यहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए भी गेम्स थे, तो सब ने काफ़ी इन्जॉय करा है। और ऐसे बर्थडे में हो ना तो काफ़ी इन्जॉयमेंट मिलता ही है। और सच में बच्चों के ना बर्थडे इस तरीके से मनाए जाते हैं ना जिसमें सभी लोग इन्वॉल्व रहते हैं, तो वो बर्थडे ना यादगार बन जाते हैं। वाकई में ये बर्थडे में जाने के बाद हमें बहुत मज़ा आया, बहुत मस्ती करी, इसी से लेके सारे पेरेंट्स ने भी अपनी बहुत मस्ती। आशीर्वाद ले लीजिएगा, पैर छूइए। ये होते संस्कार, एक बार तालियों के साथ देने नहीं का। वेरी नाइस। यहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए गेम हो रहा था, और सभी यहाँ पे जितने भी बड़े लोग हैं, जितने दादा दादी हैं, जिस किसी के नाना नानी आए हुए थे, तो सभी यहाँ पे इन्वॉल्व होकर यहाँ पे गेम खेल रहे थे। किसी को कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि नहीं ये हम बड़े हैं तो हम क्यों जाएं करके। सभी लोग इतना आपस में इतने प्रेम से यहाँ पे ये गेम्स को इन्जॉय कर रहे थे ना, जैसे एक परिवार की तरह सभी मिलकर यहाँ पे इन्जॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि सीनियर सिटीजन के साथ और लोगों को नहीं इन्वॉल्व किया गया है, सभी को इन्वॉल्व किया गया था। यहाँ पे मेरे हस्बैंड और लोग भी थे जो यहाँ पे उनके साथ उनका उनको प्रोत्साहन दे रहे थे, उनके साथ इन्वॉल्व भी थे, यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। और सच्चे दिल में तराने तो बहुत है, जिंदगी जीने के बहाने तो बहुत है, और आप दोनों यूं ही मुस्कुराते रहिए क्योंकि आपकी इस मुस्कुराहट के हम जैसे चाहने वाले बहुत हैं। जरूर आता है, वाइफ लोग टेंशन में मत आइएगा, बड़े भाई की तरह है। करिए इधर स्माइल करना मत करिए, वरना बीवी का भी बहुत मुस्कुराते थे देख के। ये मजाक है, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करके। गिफ्ट मैं ले आती हूँ जो हमारे डांसिंग दीवा थे। सारे गेम ओवर होने के बाद ना टाइम था ना डिनर का, यानी कि मेन कोर्स का। स्टार्टर से ही लोगों का पेट भर गया होगा, और गेम खेल के तो सच में बताऊँ ना तब मज़ा आ रहा था ना, सच में जाने का मन नहीं कर रहा था घर पे। और डिनर का इंतजाम किया था जहाँ पे एंट्रेंस था वहीं पे उन्होंने इंतजाम किया था, और सच में यकीन मानिए बहुत ही अच्छा इंतज़ाम था। और खाने में भी ना सब कुछ था, यानी कि लखनऊ के ना जो फेमस होते हैं ना कबाब पराठे, सारा वेज था तो और बहुत अच्छा था। वेज कबाब पराठे थे, सब कुछ था जो मेन कोर्स में होना चाहिए। तो आज का दिन ना बहुत यादगार रहा, बहुत मज़ा आया, और मुझे भी गिफ्ट मिला। तो यही था आज का ब्लॉग, कैसा लगा प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब।